यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि धूप में बैठने से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदास दिनों और सर्दियों के दौरान भी SPF लगाने के बारे में बहुत चर्चा होती है। अगर सही ढंग से किया जाता है तो कभी कभी धूप सेकने के कुछ स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा धूप में रहने के जोखिम भी बहुत है, तो सर्दियों में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए, चलिए जानते हैं सर्दियों में विटामिन डी लेने और हेल्दी रहने के लिए कब, कैसे और कितनी मात्रा में धूप सेकनी चाहिए और धूप सेकने के फायदे क्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए धूप सेकना बेहद फायदेमंद होगा। यह देखा गया है कि सनबाथ लेने से त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रिगर करने में मदद मिलती है। ब्लड वेसल्स को बड़ा करके यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सहायता करता है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नींद को बढ़ावा देने के लिए आपकी बॉडी द्वारा उत्पादित हार्मोन्स मेलाटोनिन जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक सुबह सुबह 1 घंटे की सनबाथ लेने से आपकी नींद में सुधार होगी। धूप में समय बिताने के बाद अवसाद के लक्षणों में कमी देखी जा सकती है। हार्मोन्स सेरोटोनिन जो मूड में भी सुधार कर सकता है और शांति की भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा जारी किया जाता है। बाहर समय बिताने से बिना अवसाद के भी मूड में सुधार हो सकता है। स्वाभाविक रूप से विटामिन डी के दैनिक खुराक प्राप्त करना सुबह के सूर्य का उपयोग करने के प्रमुख लाभों में से एक है। ज्यादातर भारतीयों में विटामिन डी की कमी होती है, जो बॉडी को फ्लू सहित कई प्रकार की बीमारियों और संक्रमणों से बचाने और हेल्दी बोन्स और दांतों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सूर्य के संपर्क में आने की प्रतिक्रिया में मानव शरीर द्वारा विटामिन डी का उत्पादन किया जाता है। विडंबना यह है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो सनबाथिंग कैंसर पैदा करने के साथ साथ कैंसर को रोक भी सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन डी की कमी लेवल और सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। सूर्य के संपर्क में आने पर मानव त्वचा द्वारा विटामिन डी की तीव्र लेवल का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए कुछ कैंसर को रोकने के लिए त्वचा पर कोई लोशन या तेल लगाए बिना हर दिन धूप में समय बिताना जरूरी है। धूप संक्रमण और कई ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे सोरायसिस से लड़ने के लिए फायदेमंद है। विटामिन डी लेवल को बढ़ाने, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और कई वायरस बीमारियों से लड़ने के लिए सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट के लिए सनबाथ लें। बाहर रहना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा और सरल तरीका है। धूप के संपर्क में आने से हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। अगर आपकी त्वचा गोरी है तो हर दिन 15 मिनट धूप में रहना काफी है। बाहर रहने से आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे ही और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।